जयपुर से खबर है जहां राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय से, जहां छात्र नेता शुभम रेवाड़ की भूख हड़ताल आई काम, जिसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी किया है। और देखिए क्वेश्चन मनी वापस किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सभी विभागाध्यक्ष को ये आदेश जारी किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आ रही है, कॉशन मनी वापस किए जाने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से, सभी विभाग अध्यक्षों को आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, छात्र नेता शुभम रेवाड़ की भूख हड़ताल आखिर से, सभी विभाग अध्यक्षों को यह आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से छात्रों के द्वारा भी मांग की जा रही थी और अब उन मांगों को मान लिया गया है। छात्र नेता शुभम रेवाड़ की तरफ से भूख हड़ताल की जा रही थी, लगातार अनशन किया जा रहा था, मांग की जा रही थी और आखिर तरफ से वो आखिरकार काम आई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भारत दीक्षित भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भारत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है मामले पर? और देखिए बिल्कुल आयुषी, करीब छह दिन से जो छात्र नेता शुभम रेवाड़ है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी परिषद में भूख हड़ताल पर बैठे थे। दरअसल उनकी मांग सबसे अहम ये थी कि जो क्वेश्चन मनी राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जा रही है, वो क्वेश्चन मनी जब छात्र पास आउट होता तो उस वक्त उसको जो राशि है क्वेश्चन मनी की वो लौटाई नहीं जा रही। यही कारण है कि छठवें दिन आज भूख हड़ताल पर जो छात्र नेता शुभम रेवाड़ बैठे थे, उसके बाद प्रशासन आज हरकत में आया और प्रशासन की ओर से तमाम जितने भी विभागों के विभाग अध्यक्ष उनको बकायदा एक लेटर जारी किया गया, जिसमें ये जिक्र है कि जितने भी छात्रों से क्वेश्चन मनी ली गई है और उनका कोर्स जब पूरा हो गया तो उसके बाद तुरंत प्रभाव से उनको क्वेश्चन मनी लौटाई जाए। तो कहीं ना कहीं जो छात्र नेता शुभम रेवाड़, जो उनके द्वारा मुहिम चलाई गई, उनकी जो द्वारा जो भूख हड़ताल की जा रही थी वो कहीं ना कहीं इस वक्त काम आई है और अब ऐसे में राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से पत्र जारी किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब छात्रों को राहत यहाँ पर मिलेगी, उनको जो उनके द्वारा जो क्वेश्चन मनी जमाई कराई गई थी वो कहीं ना कहीं अब वापस मिल जाएगी। जी भारत, जब प्रशासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया उसके बाद कोई रिएक्शन छात्रों की तरफ से, छात्र नेता की तरफ से? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार का आदेश राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से निकाला गया है उससे निश्चित रूप से छात्रों में खुशी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन मनी का जो मसला है वो बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है, ना केवल इस सत्र की बल्कि पिछले अगर बात की जाए 10 से 15 सालों तक की जो क्वेश्चन मनी छात्रों की जमा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से लौटाई नहीं गई थी। इसी मांग को लेकर जो छात्र नेता शुभम रेवाड़ हैं वो तीन प्रमुख मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसमें से एक मांग क्वेश्चन मनी की भी थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन का जब आदेश जारी हुआ तो निश्चित रूप से छात्रों में खुशी है और कहीं ना कहीं छात्र नेता जो शुभम रेवाड़ जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो भी काफी संतुष्ट हैं वो भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल भारत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।